असलम स्टूडेंट्स मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर आपका एम एस एक्सल का टीचर तो हम लोगों ने एक्सल में काउंट की सीरीज को स्टार्ट कर लिया है सम सीरीज़ हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली थी अब हम पहुंच चुके हैं काउंट सीरीज में तो काउंट सीरीज में रहते हुए फिजिकल टू सी ओ यू एन टी काउंट में चलते हैं काउंट समझ आ गया काउंट ए समझ आ गया अब बात काउंट ब्लैंक की तो ये टारगेट कर लेते हैं काउंट तो ब्लैंक का फार्मूला क्या काम कर सकता है हमारे लिए और कैसे काम करेगा मैंने कुछ ये डेटा की सिलेक्शन की ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ मैं पहले हेडिंग नहीं देता हूँ मेरे पास सी ओ यू एन टी काउंट बी एल ए एन के काउंट ब्लैक अच्छा जो इस वीडियो पे पहुँचे हैं टेक्स्ट डेटा का कोई फार्मूला नहीं है तो मैंने इन दोनों को माइनस किया था पिछली वीडियो में तो ये कोई फार्मूला नहीं था फार्मूला फंक्शन नहीं है मैं यहाँ पे अब फंक्शन ये वाला काम करने लगा हूँ काउंट ब्लैंक वाला इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट बी एल ए एन के ब्लैंक लेकिन अगर मैं एंटर करता हूँ तो कुछ बच्चों का आता है एरर ऐसे करके नेम लिखा आ जाता है वो कहते हैं सर आपका नहीं आता हमारा आता तो उसके लिए लॉजिक में रखना आपने जब आप ये लिख रहे होते हो ना जैसे मैंने ब्लैक पूरा कर दिया की से क्यू के जो पीछे टैब बटन होता है टी ए बी टैब उसको दबाना है तो ऑटोमेटिक आपका फार्मूला लिखा नजर आ जाएगा आपको और वो कहता है रेंज बताओ तो मैं क्या करता हूँ मैं एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ ये वाली ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंटर करते हैं यहाँ पर लिखा रहा है थ्री इस वक्त कितने सेल ऐसे हैं जो खाली हमें नजर आ रहे हैं आकर तो खाली सेल एक है दो है

यू हैव एंटर टू मैनी आर्गूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन तो जो मैं आपको दो दो वैल्यूज ले वो सिर्फ इस काउंट ब्लैक के चक्कर में लेक्चर आकर आपको समझ आ जाए कि क्या वो फंक्शनलिटी मेरे पास हो रही है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेंज ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल रेंज आपको यहाँ नीचे देखें अपने कोमा की कोई ऑप्शन नहीं आ रही इसमें यहाँ मल्टीपल आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते तो आपने अगर यहाँ पर यूज़ करना है सिंपल आप वही करोगे काउंट ब्लैंक आपने एक ही रेंज के अंदर ऐसे सारा सेलेक्ट करना अपने पास अकाउंट अब मैं दिखाता हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास टोटल लिखा रहा है ट्वेल्व ट्वेल्व क्या बता रहा है कितने सेल आपके खाली यहाँ पे? तो मेरे सारे सेल से खाली कितने आ रहे हैं वो कह रहा है ट्वेल्व तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ काउंट ब्लैंक फार्मूला सेल हमने अब चेक कम उसे कह रहे हैं कि हमें बताओ कितने सेल खाली हैं तो बता हमें वो कुछ रहा है लगे आंसर कुछ अपने पास तो इसकी तसली अपनी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं वहाँ चलते हैं हमने कहा काउंट ब्लैक इसमें अच्छा अब आपने जो कॉन्सेप्ट जेन में रखना है आकर जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज अभी करेगा कि आंसर ट्वेल्व क्यों आ रहा है एट की जगह पर यह देखिए ये जो मैंने रेंग स ना ये वाली ये बीच में ये जो ये वाला है मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि आपको मैं हाईलाइट करके समझा दूँ बात ये वाली ये जो इतना एरिया आ रहा है कि रेड कलर कर देता हूँ नजर ये।, ये भी तो सेल को खाली थे ना रेंज में इस वजह से क्या बोला तो 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 आप इसको चेक कर सकते हो अच्छा अब इसकी जरूरत सोचते खाली सेल तो वैसे भी नजर आ रहे हैं तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी कि खाली सेल भी काउंट करने पड़े हमें यहाँ पर तो होता ये है बड़ा टेक्निकल सा हमारे पास काम है अगर आपने गलती से देखो मैं ये सेल आ रहे हैं मैं इसको क्या करता हूँ खाली छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से ये देखिए सेल में कोई डेटा एंटर तो नहीं आ रहा अपने पास यहाँ भी मैं करता हूँ यहाँ हमने आए अब मेरे पास खाली सेल देखेंगे कि आप कितने हो चुके हैं आकर यहाँ आंसर कितना आ रहा है बारह का बारह ही लिखा हुआ आ रहा है हालांकि सेल खाली मेरे पास चार आठ बारह सोलह और चार बीस बीस सेल खाली नज़र आ रहे लेकिन आंसर हमें ट्वेल्व बता रहा है तो लॉजिक ये इसमें रखना आप लोगों ने कि अगर किसी सेल में स्पेस भी एंटर है स्पेस जी जी मैं करके दिखा रहा हूं। अगर किसी स्पेस भी आपने दी होगी तो वो भी डेटा कहाँ लाता है तो इसलिए कभी कभी हमें ये मसाइल पेश आता है कि हमें अपने डेटा की चेकिंग करनी है कि सेल खाली कितने और खाली नहीं है कितने उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी काउंट ब्लैंक की और खास चीज़ ये है तो अगर कोई सेल खाली छोड़ा है और उसमें स्पेस दी हुई है आपने जो नज़र खाली आ और उसमें स्पेस है तो वो भी समझ आना कि वो भी एक डेटा एंटर है जिसे हम टेक्सट डेटा एंटर काउंट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ चुका होगा आपको काउंट समझ आ चुका है काउंट ए समझ आ चुका है काउंट ब्लैंक समझ आ चुका है समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तमाम जी हाफिज़ बाय बाय